रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तेरे बाप की शादी में जा रहे, छोड़ इसे। छोड़ो, बहुत बड़े गुंडे बन रहे तुम दोनों। हा? गुंडा होगा तू, अब चपरासी चल निकल यहाँ से, हमारा है ये। ऐसा है दादा, होशियार बनने की जरूरत नहीं है। एक तो चोरी कर रही हो, ऊपर से सीने चोरी कर रही हो। अच्छा, हम चोरी करके लेके आए? अबे ओए, निकलने यहाँ से, मेरा ना जूता उतर गया ना तो मुंह पे 7 नंबर छप जाएगा तेरे। मुझे तो ये 1 नंबर का बेवकूफ लग रहा है। पहले हमसे आके दादागिरी करके हमारा सामान छीन रहा है, और उसके बाद में खुद भी नहीं लेके खड़ा हो रहा, फेंक रहा उसे बार बार। इधर दे दे, हमें जाने दे भाई, हमें काम से जाना है। वो देख, कोई बुला रहा है तेरे को। अरे और किसमें भागोगे तुम लोग? कहाँ जा रहे थे भाग के? सरफ जी, इज्जत बचा रहे थे सर। ये करता अब छेड़ रहा था, इसकी ना कोई फैक्ट्री है इधर, पूरा लेके जा रहा था। मैं पता नहीं कैसे। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की चोरी करते हुए? स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हो और ऊपर से चोरी भी कर रहे हो। सर, हमने कोई चोरी नहीं करी है सर। लगता है इसने भी ना आपको अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। सर, हमारा ना प्रोजेक्ट था, ये हम लोग नहीं बुक्स लेके जा रहे थे। सर, हम लोग ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। पहले तो इसने हमको लेट कर दिया, हमसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और सर इसने आपको भी भड़का दिया। सर, आपको अगर असली मुजरिम को पकड़ना है ना, आप इसी को पकड़िए। अगर सर ऐसे लोग बाहर घूमते रहेंगे ना, तो कोई भी बच्ची ना सेफ फील नहीं करेगी। आप एरिया में ये सरेआम ऐसी हरकतें कर रहा है लड़कियों के साथ, आप इसे थाने लेकर जाइए सर। अच्छा, तुम लोग प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो ना? कौन से स्कूल से हो? वो नाम कहाँ से बताओगे? स्कूल गए होगे तब बताओगे ना। नहीं सर, वो हमारे स्कूल का नाम ना इतना बड़ा है, तो उसके शॉर्ट फॉर्म बताने की कोशिश कर रहे थे। और एसटीएम, सरकार ने जेल भी बहुत लंबी बनाई है, बहुत लंबे समय तक जाओगे जेल में। देख रहे सर इनकी चालाकी, कितनी चालाकी से अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं ताकि हम लोग इनको शक ही न कर सके। और तुम क्या बोल रही थी? मैं आपको छेड़ रहा था? अरे शर्म कर लो किसी पे इल्जाम लगाने से पहले। आप किसी पे एक उंगली उठाओगे ना, तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी जाती है। बहुत टाइम से मैं देख रहा था कि मैं इस रास्ते से जब भी मेरी गाड़ी जाती थी, मेरा माल चोरी होता था। मैंने सोचा क्यों ना माल पीछे करूं कि आखिर चोरी कौन करता है। ऑटो तो निकल गया, आज पता करके रहूंगा आखिर मेरी गाड़ी से माल चुराता कौन है। काम करता हूं, मैं इसका पीछा करता हूं, तो पहले पुलिस को फोन कर देता हूं। तो देखा, आज मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ ही लिया ना सर। अरे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, लड़की हो के ऐसे करती हो। भैया वो हमारे ना मजबूरी है, एक्चुअली हमारे पापा नहीं है और हमारी माँ घरों में जाके बर्तन मांजती है, तो इसलिए ना हमको ये सब काम करना पड़ रहा था। हमने सोचा था कि ये सामान को बेच देंगे और उसके बाद में जो 4 पैसे आएंगे ना, उन्हें अपनी पढ़ाई में लगा देंगे, बस और कुछ नहीं था। पर हमें नहीं पता था कि हम लोग पकड़े जाएंगे। सर, हम मानते हैं कि आपने जो किया वो गलत था, पर हमारा इरादा नेक था सर, किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। चोरी करके अपना जीवन बनाना चाहते हो, ये नेक रास्ता था? अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, गलत रास्ते पर जा रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि हम नेक रास्ते पर थे। मन तो करता है कि यही के यही ना लेडी कांस्टेबल को बुला के ना यही मार पड़वाओ तुम दोनों पे, ताकि जिंदगी भर के लिए तुम लोगों को सबक मिले। सर सर प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए, हम लोग आज के बाद ना ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे हमारी मार पड़ने की नौबत आ जाए। नहीं साहब, इनको माफ मत करना, इतने सारे गरीबों की नौकरी खाई है, बेचारों को मैंने खामखा नौकरी से निकाल दिया। अरे वो लोग मुझे बद्दुआएं दे रहे होंगे तुम दोनों के चक्कर में। अरे मैं तो छोड़ो, अरे कितने फैक्ट्री वाले हैं जो बेचारे इस शक में रहते हैं कि ना जाने कौन चोरी कर रहा है। आज पकड़ में आए गए दोनों, इनको तो सर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना कि जिंदगी भर याद रहे कि आखिर इन्होंने चोरी करी क्यों। अरे भैया, हम लोग बोल तो रहे कि अब नहीं करेंगे, प्लीज हमें जाने दो, और हम आज के बाद ना कोई ऐसा काम करने ही नहीं वाले हैं जिससे हमारे समाज में एक गलत इंप्रेशन जाए। वैसे भी तुम लोग कर भी नहीं पाओगे आज के बाद, क्योंकि आज के बाद ना तुम लोग सलाखों के पीछे चक्की पीसोगे। पर सर, हमारी बात तो सुनिए। तुम लोगों की बहुत बात सुन ली मैंने, अब आगे का बयान ना थाने जाके देना। चलो थाने।